सरजील इमाम समेत 9 दिल्ली दंगा के दंगाइयों को हाई कोर्ट ने जो कहा है कि इनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए, इन सब को लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था। ये सरजील इमाम वो है जिसने दिल्ली दंगा की स्क्रिप्ट लिखी, शाहीन साजिश की स्क्रिप्ट इसने लिखी, जो दिल्ली को में हिंदू विरोधी आतंक फैलाने का सबसे बड़ा गुनाहगार था, उसे लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखा जाए, पूरा केजरी गैंग के लिए और दिल्ली के लिए? हाँ मनीष जी, आइए ये तो कोई ध्यान नहीं देगा कि मनीष जी ये केजरी गैंग पे ही तमाचा है, ये केजरी गैंग पे ही तमाचा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिस समय ये शुरू हुए थे मुकदमेबाजी, तो केजरी की बड़ी लड़ाई हुई थी। वो कह रहा था कि हम वकील अपॉइंट करेंगे, और केंद्र ने कहा था कि वकील हम अपॉइंट करेंगे, तो शायद लोअर कोर्ट में इसी ने अपॉइंट किया था, लेकिन हाई कोर्ट में जो पैरवी है वो केंद्र द्वारा लिए, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम अपने अपने वकील हम खुद हायर करेंगे, हमें सरकार के वकील की जरूरत नहीं है। और ये परिणाम सामने चला आ रहा है, उसको कोर्ट की कोई गलती नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो कोर्ट के अंदर आपका वकील कैसा है, वो क्या पैरवी कर रहा है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 2G वाला मामला है कि उसमें भी सब बरी हो गए, तो उसमें वकील कौन था और किसने उसको अपॉइंट किया था, ये बता, हम लोग बात कर चुके हैं, वही खेल यहाँ भी था। लेकिन वो तो एक तकनीकी बात है, जब सरजील इमाम वगैरह बरी हुए थे तो मनीष जी ये खैराती और सनसनीबाज ये सब बहुत नाचे थे, ये बहुत नाचे थे, इनको इनको सबको आज आईना दिखा दिया अदालत हाईकोर्ट के फैसले ने। और आज मनीष जी जो नरेंद्र मोदी ने बात आज फिर कही कि ये नरेंद्र मोदी या भाजपा जो है ये अखबार, टीवी, ट्विटर और यूट्यूब चैनल की बदौलत नहीं है, ये हम जमीन पर काम करते हैं और इसीलिए हम हैं, हम इन ऐसे किसी उसके बदौलत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन खैरातियों को तो समझ ही लेना चाहिए जो रोज सरकार पलटा करते हैं कि अब मोदी आज गया तब गया। और इसके साथ साथ भाजपा के दिल्ली के नेताओं को भी इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है, तो ये ट्विटर और इससे काम चलेगा नहीं, इनको भी जमीन पाना पड़ेगा इस केजरी के खिलाफ। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जो आपने एक इंगित किया, सबको समझना चाहिए कि स्टेट लड़ती है। कभी भी जब कोर्ट अदालत में लोअर कोर्ट में मामला होता है तो होता है फलाना वर्सेज स्टेट, मतलब सरजील इमाम, सफूरा जरगर, फलाना फलाना वर्सेज स्टेट, स्टेट दिल्ली सरकार थी। तो समझिए कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के दंगाइयों को, चूंकि उसमें दिल्ली का जो पार्षद था केजरी की पार्टी का, वो मेन एक्यूज था सरजील इमाम, उमर खालिद और ताहिर हुसैन, इन तीनों को दिल्ली पुलिस ने माना था कि दिल्ली दंगा का मुख्य सूत्रधार है। तो कैसे केजरी ने इन जिहादियों को बचाया था, इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर।